नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री सुग्रीव चरित्र प्रथम प्रवचन। सुग्रीव के चरित्र को यदि हम बहिरंग दृष्टि से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें अनेक दोष तथा कमियां हैं, पर दूसरी ओर उतना ही आश्चर्य यह देखकर होता है कि अनेक दोष एवं दुर्बलताओं के होते हुए भी सुग्रीव ने बड़ी सरलता से ईश्वर को पा लिया और प्रभु ने उन्हें असाधारण गौरव प्रदान किया। इसका रहस्य क्या है? मानस में किष्किंधा कांड के प्रारंभ में हमें सुग्रीव का चरित्र मिलता है। भगवान श्री राम अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण के साथ जनक नंदिनी श्री सीता जी की खोज में ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचते हैं। वहां ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव ने जब उन्हें आते हुए देखा तो उनके मन में बड़े आतंक की सृष्टि हुई और उन्हें आशंका हुई कि संभवतः बाली ने इन्हें मेरा वध करने के लिए भेजा है। तब वे हनुमान जी से बोले कि आप जाकर पता लगाइए कि ये कौन हैं और इधर क्यों आ रहे हैं। यदि ये बाली के द्वारा भेजे हुए मुझे मारने आ रहे हों तो आप तत्काल संकेत कर दीजिए ताकि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। हमारे समक्ष आने वाला सुग्रीव का यह पहला चित्र है। इसे देखकर बड़ा विचित्र सा लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि जिस व्यक्ति में ईश्वर को पहचानने की क्षमता नहीं है, जिसके हृदय में ईश्वर को देखकर ऐसे संदेह का उदय हुआ हो कि ये बाली के भेजे हुए मुझे मारने आ रहे हैं, ऐसा व्यक्ति तो किसी भी प्रकार से प्रशंसा का पात्र नहीं हो सकता। किंतु सुग्रीव को गोस्वामी जी ने भिन्न भिन्न संदर्भों में कई दृष्टियों से देखा है। सुग्रीव के चरित्र के संबंध में गोस्वामी जी ने कुछ सूत्र दिए हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी स्वयं अपनी तुलना सुग्रीव से करते हैं। सुग्रीव का चरित्र गोस्वामी जी के अत्यंत प्रिय चरित्रों में से एक है। श्री भरत, श्री हनुमान जी, श्री लक्ष्मण जी का चरित्र तो उनकी दृष्टि में वंदनीय है ही, लेकिन व्यक्तिगत रूप से सुग्रीव के चरित्र को वे अपने अतीव सन्निकट पाते हैं। विनय पत्रिका में उन्होंने भगवान राम से कहा, प्रभु सुग्रीव ने आपकी कौन सी सेवा की और कब उसने आपसे प्रेम का निर्वाह किया जिसके कारण आप बाली का वध करके स्वयं लोक में आलोचना के पात्र बने। का सेवा सुग्रीव की प्रीति रीति निर्वाहु जा सुबंधु बंध्यो व्याध जो सो सुनत सो हाथ न काहु। जब सुग्रीव को स्वामी जी ने कहा आपने सुग्रीव के भाई को व्याध की तरह मारा, तो प्रभु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम भी मुझ पर यह आरोप लगा रहे हो? तो उन्होंने तुरंत अगला वाक्य जोड़ दिया, बोले क्या करूं, जितने भी लोग मुझसे मिलते हैं सब आपके इस कार्य की आलोचना करते हैं। आप तो लोकमत का बड़ा सम्मान करते हैं और लोग आपके इस कार्य की बड़ी आलोचना करते हैं। आज भी श्री राम के चरित्र की चर्चा करते हुए कुछ प्रसंगों में उनकी आलोचना की जाती है। उनमें से एक प्रसंग सुग्रीव का भी है। यह एक बड़ा तथ्य है कि भगवान राम ने पक्षपात किया। सुग्रीव का पक्ष लेकर उन्होंने बाली का वध अन्यायपूर्वक छिप कर किया। भगवान ने पूछा, तुम मुझे इसकी याद क्यों दिला रहे हो? क्या तुम कहना चाहते हो कि मैंने यह ठीक नहीं किया? गोस्वामी जी बोले, नहीं महाराज, मैं तो स्वार्थवश आपको इसकी याद दिला रहा हूँ। क्या? बोले, अन्य लोग भले ही इस घटना को पढ़कर या सुनकर आपकी आलोचना करें, मैं तो मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता हूँ। क्यों? बोले, महाराज, जब मैं देखता हूँ कि सुग्रीव जैसे व्यक्ति के लिए आप इतना बड़ा कलंक ले सकते हैं, तो मुझ जैसे व्यक्ति को भी शरण में लेने से जो कलंक आपको लगेगा उसे सहज उठाने की क्षमता आप में है। आप यदि किसी श्रेष्ठ पात्र के लिए कलंक लेते तो मैं समझता कि आपने उस व्यक्ति की श्रेष्ठता से प्रभावित होकर उसके लिए यह कलंक दिया। लेकिन मेरे लिए तो सबसे बड़ा आश्वासन यही है कि आपने सुग्रीव को शरण में लिया और गाली सहकर भी आपने बाली का वध किया। हत्यो बाली सही गारी। इसी प्रकार मेरे मन में भी यह आशा बंधती है कि मुझ जैसे व्यक्ति को भी आप अपनी शरण में स्वीकार कर सकते हैं। इसी तरह से गोस्वामी जी ने दोनों ही बातें कही। वे सुग्रीव के चरित्र की दुर्बलताओं की ओर भी संकेत करते हैं और स्वयं को सुग्रीव के चरित्र के अत्यंत सन्निकट पाते हैं। इसका अभिप्राय क्या हुआ? इस पर थोड़ा गहराई से विचार करें। कई बार लोग मुझसे भी यह प्रश्न पूछते हैं कि श्री भरत जैसा प्रेम हमारे जीवन में कैसे आए, तो मैं उनसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि भरत बनने की बात बाद में कीजिएगा, पहले सुग्रीव की चर्चा प्रारंभ कीजिए तो अच्छा रहेगा। श्री भरत का चरित्र तो जीवन की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है।
अलग अलग संदर्भों में गोस्वामी जी ने कुछ संकेत सूत्र दिए हैं। एक सूत्र तो उन्होंने यह दिया कि जीव तीन प्रकार के होते हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने, त्रिवध जीव, जगवेद, बखाने। अब इन तीनों में भगवान को पाने का अधिकारी कौन है? इसके उत्तर में तो कोई भी कह देगा कि जो सिद्ध पुरुष है वही भगवान को पाने का अधिकारी है, उसने ईश्वर को पा लिया है। जो साधक है वह ईश्वर को पाने की चेष्टा कर रहा है, पर जहाँ विषयी का प्रश्न है, क्या वह भी ईश्वर को पाने का अधिकारी है? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि संसार में सिद्ध और साधक की संख्या बहुत कम है। संसार में भोग्य विषयों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण रखने वाले जितने लोग हैं, जिन्हें विषयी कह सकते हैं, उन्हीं की संख्या सबसे अधिक है। सुग्रीव का चरित्र इसी प्रकार का एक चरित्र है। इस संदर्भ में सुग्रीव की भगवत प्राप्ति का क्या तात्पर्य है? इसका एक तात्पर्य तो यह है कि विषयाशक्ति जन्य दुर्बलताओं से युक्त सजीव सुग्रीव जैसा विषयी व्यक्ति भी भगवान का कृपा पात्र हो सकता है और ईश्वर को पा सकता है। यह व्यक्ति के लिए विषयी बनने की प्रेरणा नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि जो विषयी नहीं है वह विषयी बनने की चेष्टा करे। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यह तो विषयी व्यक्ति के लिए एक आश्वासन है। किसी ने गोस्वामी जी से पूछ दिया कि आप विषयी को किस दृष्टि से देखते हैं? उन्होंने एक नया सूत्र दिया। बोले, विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने, त्रिविध जीव, जगवेद, बखाने, राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। गोस्वामी जी कहते हैं कि चाहे कोई विषयी हो, चाहे साधक या सिद्ध, जिसके भी मन में भगवान राम के चरणों के प्रति स्नेह विद्यमान है, साधु जन उसका सम्मान करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? यहीं पर आप उस विचित्र विरोधाभास का दर्शन करते हैं जिसमें एक ओर सुग्रीव हैं और दूसरी ओर हनुमान जी। जब यह सुग्रीव और हनुमान जी का संग तो किसी प्रकार से संगत प्रतीत नहीं होता। हनुमान जी तो सिद्धों के सिद्ध, परम सिद्ध हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। वे मूर्तिमान वैराग्य हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी का चरित्र तो सुग्रीव के चरित्र से बिल्कुल उल्टा है। हनुमान जी के चरित्र में निर्भयता है, सेवा है, न जाने कितने सद्गुण हैं। दूसरी ओर सुग्रीव के चरित्र में इतनी दुर्बलताएं हैं कि विचार करके देखें तो हनुमान जी को सुग्रीव के साथ ही रहना स्वीकार नहीं करना चाहिए, और अगर रहते भी तो सुग्रीव के पूज्य बनकर रहते तब भी कोई बात होती कि भाई ठीक है, सुग्रीव विषयी हैं और वे सिद्ध हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं। पर आप बड़ी विलक्षण बात देखेंगे, रामायण में बिल्कुल उल्टी बात है। क्या? हनुमान जी सुग्रीव के चरणों में प्रणाम करते हैं। यह कैसी विचित्र बात है? हनुमान जी तो सुग्रीव को इतना महत्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु का राज्याभिषेक हो जाने के बाद जब सारे बंदरों को विदा किया जाने लगा, तब अंगद ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आप मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए, मैं अयोध्या में ही रहना चाहता हूँ, मुझे आप किष्किंधा लौटने की आज्ञा न दीजिए। प्रभु ने उन्हें हृदय से लगाकर उनके प्रति बड़ा प्रेम प्रकट किया, पर उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। प्रभु ने उनसे किष्किंधा लौट जाने का आग्रह किया। इस प्रकार जब सारे बंदरों को विदा कर दिया गया और वे सब जाने लगे, तो हनुमान जी भी चुपचाप उनके साथ चल पड़े। यह देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, हम तो सोचते थे कि हनुमान जी तो प्रभु को छोड़कर एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होंगे, पर ये कैसे चले जा रहे हैं? इनको तो किसी ने विदा भी नहीं किया, किसी ने जाने के लिए भी नहीं कहा, फिर भी चले जा रहे हैं। लेकिन इसका रहस्य तो बाद में खुला कि हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया। जब सारे बंदर अयोध्या से लौट गए तो हनुमान जी ने एक अनोखा कार्य किया। क्या? अंगद ने प्रार्थना की प्रभु से और हनुमान जी ने प्रार्थना की सुग्रीव से। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी ने सुग्रीव से केवल प्रार्थना ही नहीं की, बल्कि तब सुग्रीव चरण गहिनाना, भांति विनय किन्हे हनुमाना। वे सुग्रीव के चरणों में गिर पड़े और बहुत प्रकार से उनकी विनती की, स्तुति की, और बड़े विनम्र शब्दों में सुग्रीव से कहा कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, दिन दस करी रघुपति पद सेवा, पुनितव चरण देखी हूँ देवा। 10 दिनों तक प्रभु के चरणों की सेवा करने के बाद मैं आपके चरणों को देखूँगा। सुग्रीव गदगद हो जाते हैं, हनुमान जी को हृदय से लगा लेते हैं और उनसे यही कहते हैं, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाय कृपा आगारा।
तब हनुमान जी लौट कर आते हैं। पर बड़ी अनोखी बात है, अंगद ने सीधे प्रभु से प्रार्थना की, वह अस्वीकृत हो गई और हनुमान जी ने एक बार भी प्रभु से नहीं कहा, उन्होंने सुग्रीव से प्रार्थना की। सुग्रीव ने जब उन्हें प्रभु की सेवा में रहने का आदेश दिया तब अंगद को लगा कि कहीं ना कहीं मैं भूल कर बैठा। तब अंगद ने हनुमान जी को प्रणाम करके कहा, आप जाकर प्रभु को मेरी याद दिलाते रहिएगा। कहे उदंडवत प्रभु सई तुम ही कहो कर जोर, बार बार रघुनायक ही सुरति कराय हूँ मोरी। इस प्रकार हनुमान जी लौट कर आते हैं। उनके लौट जाने पर प्रभु उनसे यह भी नहीं पूछते कि तुम चले कैसे गए थे और लौट कैसे आए, हनुमान जी की दृष्टि क्या है। उनकी दृष्टि का तात्पर्य यदि सही अर्थों में लें तो मानो यह एक बड़े महत्व का सूत्र है, ईश्वर को पाने के मार्ग में सद्गुण साधक है या बाधक। तो इसका उत्तर यही है कि सद्गुण तो जीवन में परम उपादेय है, परम हितकर है और व्यक्ति के जीवन में सद्गुणों का संग्रह होना चाहिए। हनुमान जी के लिए तो यही कहा गया है, सकल गुण निधानम, हनुमान जी में समस्त गुणों का निधान है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है और वह बड़ा सूक्ष्म है, जिसे हम भगवान की कृपा का पक्ष कहते हैं। कृपा के पक्ष में सबसे बड़ी समस्या कब आ जाती है, जब व्यक्ति को अपनी विशेषता का भान हो जाता है। गुण हो और अपने को गुणी समझने की वृत्ति न हो, यह बहुत कठिन है। ऐसे व्यक्ति तो बड़े विरले ही होते हैं जिनमें गुणाभिमान न हो। जहाँ गुण हैं वहाँ गुणाभिमान भी है। बल्कि रामायण में तो एक बड़ा सूक्ष्म संकेत आता है कि परशुराम जी के पास धनुष है और यही धनुष उनके पास से भगवान राम के पास चला जाता है। आगे चलकर भगवान राम इसी धनुष से रावण का वध करते हैं। बड़ी विलक्षण सी बात है, जिस धनुष के द्वारा रावण का वध किया गया वह परशुराम जी के पास न जाने कब से था, पर इतना होते हुए भी रावण का वध उनके द्वारा पूरा नहीं हुआ। वह पूरा होता है भगवान श्री राघवेंद्र के द्वारा ही। उसके बाद भी सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र लंका विजय के बाद लौट कर अयोध्या आए तो उन्होंने वह धनुष गुरु वशिष्ठ के चरणों में रख दिया। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक देखे प्रभु महीधरि धनुषायक। गोस्वामी जी यहाँ दो एक सूत्र देते हैं कि यहाँ पर दो धनुष आते हैं और एक धनुष तो वह जो तोड़ा गया और दूसरा धनुष वह जो खींचा गया। जो धनुष तोड़ा गया उसके टूटने के बाद सीता जी के द्वारा भगवान श्री राम के गले में जयमाल अर्पित किया जाता है। उस धनुष के टूटने के बाद जब परशुराम जी आते हैं तो वे भी एक धनुष लेकर आते हैं। इस प्रसंग की समाप्ति तब होती है जब परशुराम जी के हाथ से निकलकर वह धनुष अपने आप खींचकर भगवान राम के पास चला जाता है। संकेत सूत्र क्या है, भगवान राम का धनुष क्या है? यह भगवान शंकर का वही धनुष है जिसके द्वारा उन्होंने त्रिपुरासुर का संहार किया था। जिस त्रिपुरासुर का संहार करना देवताओं को असंभव लग रहा था, उसका वध जिस धनुष पर बाण संधान करके संहार किया गया यह वही धनुष था। पर बड़ी अनोखी बात है, जिस धनुष के द्वारा इतनी बड़ी विजय प्राप्त हुई भगवान शंकर ने उसका त्याग कर दिया। भगवान श्री राम के द्वारा धनुष का परित्याग और भगवान शंकर के द्वारा धनुष का परित्याग, इसका अभिप्राय क्या है? साधारणतया तो यही जान पड़ता है कि धनुष का चढ़ाना और धनुष का चलाना ही योग्यता की सबसे बड़ी कसौटी है। बल्कि परशुराम जी ने तो प्रारंभ में जनक जी पर यही आक्षेप किया। उन्होंने जब पूछा कि धनुष किसने तोड़ा तो उन्होंने इन्हीं शब्दों में कहा, कहू जड़ जनक धनुष कई तोड़ा। अरे मूर्ख जनक, जो इतने बड़े ज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध थे परशुराम जी ने उन्हें मूर्ख कहकर संबोधित किया। अब यदि कोई परशुराम जी से पूछे कि आप इन्हें मूर्ख क्यों कह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि धनुष के द्वारा जब किसी की परीक्षा ली जाने की बात आती है तो उसे धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्य वेद करने के लिए कहा जाता है। किसी योद्धा की परीक्षा इसी तरह ली जाती है। ऐसी स्थिति में जनक ने भी कोई लक्ष्य रखा होता और कह देता कि जो इस लक्ष्य का वेद कर देगा उसे मैं अपनी कन्या सीता को अर्पित करूँगा। उनकी यह प्रतिज्ञा विधि संगत होती। अब धनुष चलाने की वस्तु है या कि तोड़ने की, यही उनकी परिभाषा है कि जो धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा करता है वह मूर्ख है। यूँ तो परशुराम जी का कहना बाहर से ठीक ही लग रहा है,
जनक जी कुछ बोले तो नहीं, पर उनके मन में एक बात आई। बोले, महाराज ऐसा मैंने क्यों किया? इसका उत्तर आप चाहें तो अपने गुरु भगवान शंकर से पूछ लें। क्यों? बोले, शंकर जी ने यदि धनुष के साथ बाण भी दिए होते तो मैं चलवा कर देखता। अब अगर धनुष या तुड़वा के साथ उन्होंने बाण नहीं दिए तो बताइए कि उस धनुष को रखा जाए या तुड़वाया जाए। इसका तात्विक संकेत यह है कि लक्ष्य वेद के बाद और कुछ करना बाकी है या नहीं। लक्ष्य वेद ही तो वह अंतिम उपलब्धि नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि लक्ष्य वेद के बाद भी जिस साधन से लक्ष्य वेद किया गया और वह लक्ष्य वेद करने वाला दोनों जब तक इस वृत्ति से मुक्त नहीं हो जाते कि मेरे द्वारा लक्ष्य वेद किया गया, तब तक कार्य पूर्ण नहीं होता। इसे वेदांत की भाषा में, रामायण की भाषा में कृतकृत्य कहा गया है। उसके लिए यही शब्द है, लक्ष्य वेद के बाद कृतकृत्यता का बोध हुआ कि नहीं। और कृतकृत्यता का बोध हुआ, इसका अर्थ है कि अब कोई कर्म करना शेष नहीं रहा। यदि हम इसे साधारण शब्दों में कहें तो इसका अभिप्राय यह है कि यह मन ही त्रिपुरासुर है। पुराणों में त्रिपुरासुर के लिए कहा गया है कि वह तीन नगरों में विहार करता रहता है। जब उसके किसी एक नगर पर प्रहार किया जाता है तब वह दूसरे नगर में चला जाता है। उसे यह वरदान प्राप्त है कि जब तक इन तीनों नगरों पर एक साथ प्रहार नहीं किया जाएगा तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। उस त्रिपुरासुर का वध करने के लिए जो भी उस पर प्रहार करता है वह एक ही नगर पर करता है, इसीलिए उस दैत्य का वध किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाता। गोस्वामी जी का और पुराणों का अभिप्राय यह है कि मन के ये जो त्रिविध विकार हैं, काम, क्रोध और लोभ, ये ही वे तीन पुर हैं जहाँ मन रूपी यह असुर विहार करता रहता है। इन तीनों नगरों को यदि हम अलग अलग जीतने की चेष्टा करेंगे तो कभी भी उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कभी हम काम पर विजय पालेंगे तो लोभ के द्वारा ग्रसे जाएंगे, लोभ पर विजय पालेंगे तो क्रोध के द्वारा ग्रसे जाएंगे। एक न एक विचार हमारे जीवन में बना ही रहेगा। जिस धनुष के द्वारा शंकर जी ने त्रिपुरासुर का संहार किया वह धनुष क्या है? ऐसा साधन जिसके द्वारा हम मन पर प्रहार करते हैं, उस साधन के लिए भी तो अंततः सात्विक अहंकार की आवश्यकता होती है। यह शंकर जी का धनुष मानो सात्विक अहंकार का प्रतीक है। सात्विक अहंकार के द्वारा साधना की जाती है। इस साधना का लक्ष्य है मन पर विजय प्राप्त करना। जब मन पर विजय प्राप्त हो गई, धनुष का उद्देश्य पूरा हो गया, तब भगवान शंकर ने क्या किया? धनुष ने भगवान शंकर से बहुत बढ़िया प्रश्न किया। धनुष ने कहा, महाराज मैंने सुना है कि आप सारे संसार के मुक्तिदाता हैं, सबको मुक्ति देते हैं, लेकिन मुझे तो इसमें संदेह हो रहा है। क्यों? बोले, आप सबको मुक्ति देते हैं पर मुझे तो बांधते हैं। बाण चलाने के लिए धनुष को रस्सी से बांधा जाता है। धनुष ने कहा, क्या मेरी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है? शंकर जी ने बहुत बढ़िया बात कही, जब तक तुम रहोगे बंधते ही रहोगे, जब टूट जाओगे तभी इस बंधन से छूटोगे। यह पते की बात है, जब तक मैं है तब तक बंधन है, बंधन से मुक्ति नहीं है। व्यक्ति चाहे जितना श्रेष्ठतम कार्य क्यों ना करे, उसे बंधना ही पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा कि यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो इसका एक ही उपाय है। क्या? अपने आप में सत्ता का अभाव। तब इसके लिए क्या करें? शंकर जी ने कहा, त्रिपुरासुर का संहार तो हो चुका, अब हम तुम्हें जनक जी को सौंप देते हैं। और ध्यान रखना, जब जनक जी के यहाँ भगवान श्री राम आए तो टूटने में देर ना करना। धनुष ने कहा, यदि टूटने से ही मुक्ति मिलती है तो आप ही तोड़ दीजिए, मुक्ति मिल जाएगी। शंकर जी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ईश्वर तुम्हें तोड़ेगा। बस यह महत्व की बात है, अभिमान छोड़ने की चेष्टा हमें करनी है, पर इसको तोड़ना तो ईश्वर के लिए ही संभव है, उसे और कोई नहीं तोड़ सकता। इस प्रकार वहाँ तोड़ने और छोड़ने की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसे आध्यात्मिक संदर्भ में यूँ कहें कि सात्विक अभिमान मानो भगवान के हाथों में पहुंचकर खंडित हो गया। और कितने अच्छे ढंग से टूटा, बड़े काम की बात है। भगवान श्री राम जब धनुष के पास पहुँचा तो देखने लगे कि इस धनुष का केंद्र कहाँ है। उन्होंने कहा, धनुष का जहाँ ठीक बीच वाला भाग है, तेही छन राम मध्य धनु तोड़ा। लक्ष्मण जी ने पूछा, महाराज धनुष तो आप कहीं से भी तोड़ सकते थे, बीच से ही क्यों तोड़ा? भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण अभिमान न तो जन्म के साथ होता है न मृत्यु के समय, यह तो बीच में ही होता है, इसे तो बीच में ही तोड़ना है। बस इसे बीच में तोड़ दीजिए, अभिमान पर विजय प्राप्त हो गई।
यह अभिमान के टूटने की प्रक्रिया संपन्न हुई, मानो सात्विक अभिमान खंडित होकर ईश्वर के चरणों में अर्पित हो गया। प्रभु ने धनुष को उठाया, मध्य से धनुष टूटा और धनुष के टूटने के पश्चात जब गिरा तो प्रभु के चरणों में गिरा। यह है अहंकार का विसर्जन, सात्विक अहंकार का ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाना। अब जो परशुराम जी के पास दूसरा धनुष है, इसमें क्या संकेत है? गोस्वामी जी और हमारे इन पुराणों के संकेत कितने महत्व के हैं, बड़ी विलक्षण बात है। परशुराम जी धनुष भी धारण करते हैं और फरसा भी, पर उनका नाम धनुष राम नहीं परशुराम पड़ा। पर जब उनके पास धनुष भी है तो उनका नाम धनुष राम होना था, परशुराम ही क्यों? इसका सांकेतिक अर्थ यह है कि धनुष और परशु को धर्मरथ के प्रसंग में अलग अलग गुणों का प्रतीक बताया गया है। धर्मरथ के प्रसंग में आप देखेंगे दान परशु है और धनुष क्या है? दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन गोदंडा। विज्ञान धनुष है, पर इसका अभिप्राय क्या है? परशुराम जी के हाथ में दान का फरसा है, वह क्या है? सहस्रार्जुन को मिटाने के लिए उन्होंने फरसे का प्रयोग किया। यह सरसराजन मूर्तिमान लोभ है, जिसका लोभ इतना बढ़ जाए कि जमदग्नि की कामधेनु को भी छीनने की कोशिश करे, उन पर प्रहार करके भी अपने लोभ की वृत्ति को तृप्त करना चाहे, वह सरसराजन वस्तुतः लोभ है। परशुराम जी ने फरसे से उसकी भुजाओं को काट दिया। इसका अभिप्राय यह है कि जब समाज में लोभ बढ़े तो उसको काटने के लिए दान के फरसे की आवश्यकता है। जितना ही दान दिया जाएगा उतनी ही लोभ की बुझाएं कटेंगी, यही इसका अभिप्राय है। पर ऐसे परशुराम जी रावण को मारने में समर्थ नहीं हो पाए, क्योंकि रावण मूर्तिमान लोभ नहीं है, मोह है। मोह दश मौली तद भ्रांत अहंकार पाका रिजित काम विश्राम हारी। इसका अभिप्राय क्या है? यह है कि लोभ का विनाश दान से हो सकता है, पर मोह का विनाश तो ज्ञान से ही होगा। कितना भी दान दे पर व्यक्ति दान के द्वारा मोह का विनाश करने में समर्थ नहीं होगा। परशुराम जी की समस्या क्या है? उनको दान वाला झंडा बहुत पसंद है। बात यह है कि दान में प्रदर्शन की वृत्ति आ जाना बड़ा स्वाभाविक है, और ज्ञान में तो सब कुछ खो देना है। ज्ञान की परिभाषा क्या है? ज्ञान मान जहाँ एक हो नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान की सबसे बड़ी परिभाषा यह है कि व्यक्ति के जीवन में मान का सर्वथा अभाव हो जाए। दान के साथ प्रायः जो बात जुड़ी हुई होती है वह क्या है? सम्मान की चाह। अब एक और जहां ज्ञान में मान का सर्वथा अभाव है, वहां दान के साथ मान सम्मान जुड़ा हुआ है। इसका अभिप्राय यह है कि परशुराम जी के व्यक्तित्व को हम पूर्ण नहीं मानते, क्योंकि वे प्रदर्शन की वृत्ति से मुक्त नहीं हुए हैं। वे चाहते हैं, और केवल परशुराम जी ही नहीं, संसार के सारे दानी यही चाहते हैं जो परशुराम जी चाहते थे। जिस समय परशुराम जी लक्ष्मण जी से बातचीत करते हैं, तब फरसे को ऊपर उठाए रहते हैं। इसके द्वारा वे क्या बताना चाहते हैं? मानो कि कहना चाहते हैं, लक्ष्मण मेरे फरसे को देख लो। और इसका अर्थ क्या है? यही है दान के प्रदर्शन की वृत्ति। लोग देखें कि मैंने कितना दान किया, मेरा दान कितना श्रेष्ठ है, पर लक्ष्मण जी तो अपनी आंखें ऊपर उठा ही नहीं रहे हैं। तब परशुराम जी से नहीं रहा गया, लक्ष्मण ने देखा नहीं फरसे की ओर, तो उन्होंने सीधे ही कह दिया, परसु बिलोक महीप कुमारा, पहले मेरा फरसा देखो फिर बात करो। यह तो उनके मन की प्रदर्शन वृत्ति है, दान के द्वारा आई हुई अभिमान की वृत्ति उनके मन में विद्यमान है। क्योंकि भगवान राम ने जब उन्हें बार बार ब्राह्मण किया कहा, तो वे बिगड़ खड़े हुए, बोले, क्या मुझे दान लेने वाला ब्राह्मण समझ रखा है? मैं मांगने वाला नहीं देने वाला ब्राह्मण हूँ, उन्होंने बड़े गर्व से कहा। निपट ही द्विज करी जान ही मोही, मैं जस विप्र सुनाव हूँ तो ही, चाप श्रुवा सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृसानु, समधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुवाई, मैं यही पर सुकाटि बलि दीन है, समर यज्ञ जप कोटि न कीने। तो मुझे ऐसा वैसा ब्राह्मण ही समझता है, सुन कैसा ब्राह्मण हूँ मैं, मेरे धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति एवं मेरे क्रोध को भयंकर अग्नि जान, चतुरंगिनी सेना मेरा यज्ञ काष्ठ है, बड़े बड़े राजा उसमें पशु रूप में आए और उन्हें इसी फरसे से काट कर मैंने बलि दिया। मैंने ऐसे सैकड़ों मंत्र युक्त यज्ञ किए हैं। तात्पर्य यह है कि ज्ञान धनुष परशुराम जी के पास भी है। अब उलट कर देखें,
क्या ज्ञान होना कठिन है? ज्ञान तो जितने वेदांत ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ लीजिए, उससे ज्ञान के स्वरूप का बोध हो जाएगा। बुद्धिगम्य वेदांत या ज्ञान आपको मिल जाएगा, पर ज्ञान की सार्थकता उसे बुद्धि से समझ लेने में नहीं बल्कि उसके समुचित सदुपयोग में है। परशुराम जी की समस्या यह है कि वे स्वयं अभिमान के प्रेमी हैं और इस कारण वे दान का चुनाव करते हैं। ज्ञान बहुत दिनों तक उनके कंधे पर रहा पर उसका उन्होंने उपयोग नहीं किया। इसका अभिप्राय क्या है? ज्ञान यदि कंधे पर रहे और उसका उपयोग न किया जाए तब तो वह भी बेकार का बोझ मात्र है। इसका अभिप्राय है कि यदि ज्ञान के द्वारा मोह का विनाश नहीं हुआ तो उसकी कोई सार्थकता नहीं। आगे चलकर परशुराम के जीवन में जो समर्पण है, अंत में भगवान श्री राम से उन्होंने यही कहा कि यदि इस धनुष को लेकर यदि तुम खींच लो, चढ़ा लो, तो मैं समझ लूँगा कि भगवान का अवतार हो गया। भगवान श्री राम अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं धनुष परशुराम जी के हाथ से निकलकर भगवान श्री राम के हाथ में चला जाता है। यह देखकर परशुराम जी चकित हो जाते हैं। उन्होंने धनुष की ओर देखा और पूछा कि इतने दिनों तक मैं तुम्हें अपने कंधे पर धारण कहा किए रहा और आज तुम मुझे छोड़कर भाग खड़े हुए। उन्होंने हाथ भी नहीं बढ़ाया और तुम स्वयं चले गए। धनुष ने परशुराम जी से कहा, महाराज आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपका बोझ हल्का करने वाला आ गया, इसीलिए मैं उनके पास चला जा रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए तो मैं भार था और वे आपका भार हल्का करने आए हैं। आपके लिए जो वस्तु बोझ बन गई है उसे वे ढोएंगे नहीं बल्कि उसका उपयोग करेंगे। वहाँ जाकर ही मेरी धन्यता है। धनुष के इस तत्व को परशुराम जी ठीक ठीक समझ जाते हैं और धनुष समर्पित हो जाता है। परंतु भगवान राम के द्वारा रावण का वध करने के बाद जब ज्ञान के धनुष का भी परित्याग कर दिया गया तब इसका अभिप्राय क्या है? यह है कि सात्विक अभिमान के द्वारा हम मन को जीतने की चेष्टा करें, पर ज्ञान के द्वारा मोह को जीतने के बाद भी मैं ज्ञानी हूँ यह वृत्ति बनी रह गई तो सच्चे अर्थों में जिसे अभिमान शून्यता कहते हैं वह तो नहीं हुआ। परशुराम जी के मन में धनुष का अभिमान था, धनुष से आसक्ति थी, पर भगवान राम के जीवन में वैसा नहीं था। लंका विजय के बाद उद्देश्य पूर्ण हो जाने पर उन्होंने ज्ञान के धनुष को उतार कर गुरु के चरणों में रख दिया। किसी ने पूछ दिया कि आपने ऐसा क्यों किया? इसका संकेत सूत्र यह है, धनुष है ज्ञान और गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। बिनु गुरु हो ज्ञान। इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः रावण का वध मैंने थोड़े ही किया, रावण का वध इस ज्ञान के धनुष के द्वारा ही हुआ और इस ज्ञान के दाता तो गुरुदेव हैं, उन्होंने ही कृपा करके मुझसे वध करवा लिया है, वस्तुतः मैं वध करने वाला नहीं हूँ। इसका अभिप्राय यही है, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इन्हीं कृपा धनुज धन मारे, धनुज रन मारे। इस प्रकार मानस का मूल दर्शन यह है कि जब तक गुण के साथ साथ गुणी होने का भाव बना रहेगा, ज्ञान के साथ साथ ज्ञानी होने की वृत्ति रहेगी, तब तक व्यक्ति अपूर्ण है। अब इस संदर्भ में उन सुग्रीव के चरित्र पर विचार करके देखिए जिन्हें हनुमान जी इतना महत्व देते हैं। इससे दो बातें सिद्ध होती हैं। पहली तो यह है कि हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, पर उनके व्यक्तित्व में यदि कहीं भी अभिमान का यत्किंचित भी लेश होता तो वे सुग्रीव को महत्व न दे पाते। परंतु स्वयं इतने महान होते हुए भी जब ये सुग्रीव के चरणों में गिर सकते हैं तो इसका अर्थ यह है कि सचमुच उन्हें जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम की उपाधि दी गई है वह सर्वथा सार्थक है। ये सचमुच इतने अभिमान शून्य हैं कि उनमें अभिमान का लेश भी नहीं है। किसी ने उनसे पूछा, महाराज आपको सुग्रीव में ऐसी कौन सी विशेषता दिखाई देती है कि आप उनके चरणों में नमन करते हैं, उनको इतना महत्व देते हैं? हनुमान जी बोले, अभिमान को मिटाने के लिए सुग्रीव का चरित्र जितना उपयोगी होगा उतना और किसका हो सकता है? इसका अभिप्राय क्या है? हनुमान जी ने कहा, भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं और उस व्यक्ति को जब यह दिखाई देता है कि मैंने इतनी तपस्या की, इतनी साधना की, मेरे जीवन में इतने सद्गुण हैं, तो वह यह माने बिना नहीं रहता कि यह जो ईश्वर की कृपा हुई है वह मेरी विशेषता का ही परिणाम है। हनुमान जी का अभिप्राय क्या है? सुग्रीव के चरित्र को ही देखकर अभिमान पूरी तरह टूट जाता है। कैसे? यदि भगवान की कृपा का संबंध व्यक्ति के अपने ही गुणों से होता तब तो सुग्रीव पर भगवान की कृपा कभी भी नहीं हो सकती थी। सुग्रीव के चरित्र में जो सबसे बड़े महत्व का पक्ष है वह अभिमान को निशेष करने वाला पक्ष ही है।
प्रारंभ में जब हनुमान जी और प्रभु का मिलन हुआ तो उस मिलन में एक बड़ी मधुर बात आई। पहले तो हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं। प्रभु ने भी बदले में पूछ लिया, ब्राह्मण देवता, मैंने तो अपना चरित सुना दिया, अब आप भी अपनी कथा सुनाइए। आपन चरितम कहा हम गाए, कप कहूँ विप्र निज कथा बुझाए। हनुमान जी ने अपना परिचय उस तरह से नहीं दिया जैसी पद्धति है, जैसे भरत जी को जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो यह कह कर दिया कि मेरा नाम हनुमान है और मैं पवन का पुत्र हूँ। मारुतसुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। पर जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि ब्राह्मण देवता आप कौन हैं, तो उन्हें वही वाक्य कहना चाहिए था कि मैं पवन पुत्र हूँ और मेरा नाम हनुमान है। पर हनुमान जी ने तो बड़ा विचित्र परिचय दिया। वे कहते हैं, महाराज मैं तो मंद हूँ, मोहवश हूँ, कुटिल हृदय हूँ और अज्ञानी हूँ। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। प्रभु ने मुस्कुरा कर देखा, बोले ऐसा परिचय तो मैंने कभी सुना ही नहीं। अपना नाम नहीं, अपने पिता का नाम नहीं, अरे भाई परिचय दे रहे हो तो अपना नाम बताओ। तब आप हनुमान जी के जीवन में एक विलक्षण बात पाएंगे कि उन्होंने न तो रावण की सभा में अपना नाम बताया, न प्रभु राम को अपना नाम बताया, दोनों को अपना नाम नहीं बताया। इसके पीछे हनुमान जी का बड़ा दिव्य भाव है। रावण ने भी हनुमान जी से पूछा, कह लंकेश कवंत एकीसा। पर हनुमान जी का उत्तर इतना लंबा चौड़ा था कि रावण सुनते सुनते उब गया। वे सीधा सा परिचय दे सकते थे कि मेरा नाम हनुमान है, पर उन्होंने प्रारंभ कहाँ से किया, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचति माया, जाके बल विरंचि हरि ईसा, पालत सृजत धरत दस सीसा, जा बल सीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन, धरई सो विविध देह सुरत्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता, हर को दंड कठिन जही भंजा, तेहि समेत निप दल मत गंजा, खर दूषण त्रिसुरा अरुबाली, बधे सकल तुलित बलशाली। हे रावण सुनो, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करती है, हे दशानन जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन संहार करते हैं, जिनके बल से हजारों फनों वाले शेषनाग पर्वत तथा वन सहित सारे ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ने के साथ ही राजाओं का गर्व भी चूर कर दिया। इतना कहने के बाद तब बोले, जाके बल्लवलेश तेज तिहु चराचर झार, तासु दूत में जाकर हरियाणे उप्रिय नारी, जिनके बल का कण मात्र पाकर तुमने संपूर्ण चराचर जगत को जीत लिया है और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। इतना लंबा परिचय और उसके बाद मैं उनका दूत हूँ। पूछा गया, महाराज अपना नाम क्यों नहीं बता दिया। हनुमान जी बोले, मैं यह सोच रहा था कि यह सुनने के बाद शायद उसके मुख से यह प्रश्न निकल पड़े कि क्या तुम राम के दूत हो। मैं सोचता था कि इस भले मानुष के मुख से कम एक बार तो प्रभु का नाम निकले, मेरा नाम सुनने के बाद यह प्रभु का नाम नहीं लेगा। यह बहुत बढ़िया बात है, अपने नाम को भुला देना, अपने नाम की आसक्ति को मिटा देना ही प्रभु के नाम का प्रचार है। हनुमान जी चाहते हैं कि प्रभु के नाम का प्रचार हो। रावण प्रभु के नाम को जाने, इसलिए अपना नाम नहीं बताया। और जब वे भगवान को अपना परिचय देते हैं, एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। यह सुनकर प्रभु बोले, मंद मोह बस, कुटिल हृदय और अज्ञान, ये चार चार दुख आप अपने सुना रहे हैं। आपकी कथा तो बड़ी दुख भरी है, लगता है आप बड़े दुखी हैं, पर इन चारों में से सबसे अधिक दुख आपको किस बात से है। हनुमान जी ने उल्लाहना देते हुए कहा, इन चारों ने मुझे उतना दुख नहीं दिया जितना आपने दे दिया। कैसे? उन्होंने कहा, प्रभु आपने जो यह पूछ दिया कि ब्राह्मण देवता आप कौन हैं, इसका अर्थ है कि आपने मुझे भुला दिया है। जीव की कमी कोई कमी नहीं है, पर ईश्वर यदि उसे भुला दे तो इससे बढ़कर जीव का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। व्यक्ति के सामने यह समस्या होती है। आप किसी से मिले हो तो आपकी भी इच्छा होती है कि वह आपका नाम जाने और कहीं मिलने पर वह आपका नाम ले। तो मैं ऐसी स्थिति में बड़े संकट में पड़ जाता हूँ, मुझे नाम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। जब मैं किसी नगर में होता हूँ और किसी दूसरे नगर का श्रोता आता है, उससे भेंट होती है, तो यह लगता है कि हाँ कहीं देखा तो है, पर नाम याद नहीं आता। और श्रोता बड़े प्रेम से पूछ देता है, आपने मुझे पहचाना। अब मैं क्या कहूँ,
यदि कहूँ कि नहीं पहचाना तो उसे बड़ी चोट लगेगी, और यदि कहूँ कि हाँ पहचान रहा हूँ तब उससे भी छुट्टी नहीं मिलती। और पूछ देते हैं तो बताइए मेरा नाम क्या है, अब मैं चक्कर में पड़ जाता हूँ कि भाई यह तो मेरे बस की बात नहीं है। जी की समस्या यह है कि वह किस किस का नाम याद रखेगा। पर हनुमान जी ने प्रभु को उलाहना दिया कि मैंने आपका नाम पूछा और आपने भी मेरा नाम पूछ दिया। प्रभु ने कहा शिष्टाचार तो यही है कि एक व्यक्ति परिचय पूछे तो दूसरे को भी परिचय पूछना चाहिए। हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज, मैंने पूछा यह तो बिल्कुल ठीक है, परंतु आपने पूछकर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मोर न्याओ में पूछा साई, तुम पूछो कसकर की नाई। प्रभु मुस्कुराने लगे। हनुमान जी उलाहना देते हुए कहते हैं प्रभु आपकी माया के कारण मैं आपको भूल गया, तो क्या माया नाथ भी मुझे भूल गए। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरे तुम्हार ही छोहा, तब माया बस फिरो भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। यह विचित्रता आप देखेंगे, हनुमान जी ने अंत तक अपना नाम नहीं बताया, उनका नाम प्रभु के मुख से ही तब निकला। जब वे हनुमान जी को उपदेश देते हुए बोले सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। हनुमंत सुनते ही हनुमान जी गदगद हो गए। वे बोले बस मेरा भ्रम दूर हो गया, प्रभु ने यह भी कह दिया सुनु कपि जिये मानसी जिये ऊना, तैं मम प्रिय लक्ष्मण ते डूना। हे कपि सुनो, तुम अपने मन में कोई ग्लानी मत मानना, तुम तो मुझे लक्ष्मण जी से भी दुगने प्रिय हो। हनुमान जी ने तो यह चौपाई रट ली। जब वे किशोरी जी के पास गए तो किशोरी जी ने उन्हें उल्हाना देते हुए कहा प्रभु इतने निष्ठुर कैसे हो गए। कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कही कपि कही हे तू धरी निठुराई। तो हनुमान जी ने जो चौपाई प्रभु से सुनी थी वही माँ के सामने दोहरा दी। प्रभु ने हनुमान जी से कहा था सुन कपि जिय मानसी जनी ऊना, तह मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। और हनुमान जी ने माँ से कहा जनी जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हनुमान जी ने कहा माँ भ्रम ही तो है कि ईश्वर ने मुझे भुला दिया है, पर बाद में यही दिखाई देता है कि जीव भले ही भगवान को भूल जाए पर भगवान इतने करुणामय हैं कि जो उनसे प्रेम करते हैं उनसे वे अधिक से अधिक प्रेम करते हैं। जब साधारण से जीव के लिए उनके मन में इतना प्रेम है तो फिर आपके जीव के प्रति उनके प्रेम का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हनुमान जी से मिलने पर प्रभु पूछते हैं ब्राह्मण देवता आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए, कहो विप्र निज कथा बुझाए। इस पर उलाहना देते हुए हनुमान जी कहते हैं प्रभु मैं अर्थात जीव आपको भूल गया तो क्या आप भी मुझे भूल गए। इस संदर्भ में एक संकेत मैं आपको देना चाहूँगा। गोस्वामी जी ने एक बात कही है कि भगवान भी एक तरह से बड़े भूलने वाले के रूप में याद किए गए हैं। उन्होंने विनय पत्रिका में जब माँ से प्रार्थना की कि आप प्रभु को मेरी याद दिला दीजिएगा, तो माँ ने पूछा क्या उनको याद दिलाना पड़ता है। उन्होंने कहा हाँ, क्यों। बोले प्रभु इतने भुलक्कड़ हैं कि वे स्वयं अमाने हैं और दूसरों को मान देने वाले हैं। कबहु समय सुधी छाय भी, मेरी माँ तू जान की, बानी विसारणशील है मानद अमान की। इसका अभिप्राय यह है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे को मान देता है तो इसका अर्थ है अपने अहम को विस्मृत कर देना। कोई अपने अहम को विस्मृत कर देगा तभी तो दूसरे को मान देगा। दूसरों को सम्मान देने का अर्थ यही है कि उसमें यह भावना इतनी अधिक है कि वह सम्मान देने में रंच मात्र भी संकोच नहीं करता। जो दूसरों को सम्मान नहीं देता इसका अर्थ है कि उसके पास सम्मोहन देने की वृत्ति की कमी है, सम्मान देने की वृत्ति की कमी है, दूसरों को देने में हिचक रहा है। गोस्वामी जी सीता जी से कहते हैं प्रभु चार चीजों को भूल जाते हैं, क्या। निज गुण, अरिकृत अनहितो दास दोष, सुरति चित रहत न दिए दान की। अपने गुण, शत्रु के द्वारा किया गया अपकार, सेवक का दोष और अपना किया हुआ दान, ये चार बातें भूल जाते हैं। ऐसे भुलक्कड़ हैं भगवान। इसीलिए गोस्वामी जी माँ से कहते हैं माँ आप इन्हें मेरी याद दिला दीजिएगा। किसी ने हनुमान जी से पूछा आप जैसे व्यक्ति जो निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहते हैं और सुग्रीव जैसा व्यक्ति जो राज्य और भोगों को पाकर प्रभु को भूल गया, कहीं इन दोनों की बराबरी हो सकती है। फिर भी आपके मन में सुग्रीव के प्रति इतना सम्मान क्यों है। इस पर हनुमान जी ने कहा यहाँ पर तो सुग्रीव ने ही बाजी मार ली। कैसे,
बोले, मैं प्रभु की याद करता हूँ, यह मेरा सौभाग्य है। लेकिन धन्य तो सुग्रीव है जिनकी प्रभु याद किया करते हैं। भुलक्कड़ स्वभाव वाले प्रभु भी जब उन्हें नहीं भूल पाते, उनकी याद करने वाले बन गए, वे क्या कम सम्मान के पात्र हैं? प्रभु स्वयं जिनकी याद करते हैं, उनके प्रति भला सम्मान क्यों नहीं होगा? सुग्रीव को पाकर प्रभु का स्वभाव इतना बदल गया कि अपना किया भला जिन्हें याद नहीं रहता, उन्हें एक दिन याद आ गया। कब? जब 4 महीने सुग्रीव प्रभु से मिलने नहीं आए, तब प्रभु लक्ष्मण से कहते हैं, सुग्रीव हूँ सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोस पुर नारी। इसका अर्थ है कि अपना किया गया भला याद आ गया, उन्हें याद आ गया कि मैंने सुग्रीव को राज्य दिया, उसकी पत्नी से मिलाया, यह दिया वह दिया। प्रभु को दास का दोष याद नहीं आता, पर अब तो ऐसा याद आया कि जही सायक मारा मैं बाली, तेही सर हतौ मूड कह काले। दास का दोष भी याद आ गया। हनुमान जी ने कहा कि कितनी सुंदर बात है। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान का भूलने वाला स्वभाव उनके अमानत्व का सूचक है। पर जीव का कल्याण कब होगा? जब प्रभु भूलने वाले न होकर याद करने वाले बन जाएं। सुग्रीव के संदर्भ में प्रभु जो इतनी याद कर रहे हैं, वह किस लिए? अभिमान के कारण नहीं, उनका उद्देश्य क्या है? जो ही लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु यह कार्य आप मुझे दे दीजिए, मैं अभी जाता हूँ, इसको कल पर छोड़ना ठीक नहीं, मैं आज ही सुग्रीव का वध कर देता हूँ, प्रभु ने उनका हाथ पकड़ लिया। बोले, लक्ष्मण, क्या तुम सचमुच सुग्रीव को मारने की बात सोच रहे हो? प्रभु, अभी आप ही तो कह रहे थे। प्रभु ने कहा, नहीं नहीं, बाली सुग्रीव और हनुमान जी के चित्र के संबंध में यदि आप विचार करके देखें तो बाली में सद्गुण हैं, पर उन सद्गुणों के साथ बाली की सबसे बड़ी समस्या है अभिमान। इस अभिमान से बाली अपने आप को मुक्त नहीं कर पाता। यह संकेत सूत्र पौराणिक संबंधों से जुड़ा हुआ है। यह माना जाता है कि बाली का जन्म इंद्र के अंश से हुआ है और इंद्र का पद सर्वश्रेष्ठ पुण्य से मिलता है। यह पौराणिक मान्यता है। यहाँ पर सूत्र यह है कि कहीं पुण्य हो और पुण्याभिमान न हो, यह बड़ी दुर्लभ बात है। आप चाहे श्रीमद् भागवत पढ़ें या रामायण को, सर्वत्र यही सूत्र पाएंगे। बाली स्वयं को अभिमान से मुक्त नहीं कर पाता। श्रीमद् भागवत में जब इंद्र की पूजा रोक दी गई, तब उन्हें बड़ा क्रोध आता है। यही पुण्यात्मा की दुर्बलता है, वह स्वयं को अहम से मुक्त नहीं कर पाता। यही बात आप रामायण में भी देखेंगे। भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ तो इंद्र ने रथ कब भेजा? अरे भाई, लंका में जिस दिन युद्ध प्रारंभ हुआ उसी दिन भेज देना चाहिए था, पर इतने दिनों तक युद्ध चला तब तो नहीं भेजा। और राम रावण युद्ध के पहले दिन भी रथ नहीं भेजा, दूसरे दिन भेजा। यह वही मनोविज्ञान है। किसी देवता ने इंद्र से कहा, महाराज आप रथ क्यों नहीं भेज देते? इंद्र ने तत्काल कहा, पहले वे संदेश तो भेजें कि मुझे रथ की आवश्यकता है, वे कहीं तो मैं रथ भेज दूंगा। श्री राम तो बड़े संकोची स्वभाव के हैं, यदि उन्होंने नहीं कहा तो क्या हुआ? आपको तो अपनी ओर से भेज देना था, इंद्र ने तर्क दिया। जिन्हें केवट से नाव मांगने में संकोच नहीं हुआ, उन्हें मुझसे रथ मांगने में संकोच क्यों हो रहा है? तब तो वे गंगा के किनारे खड़े होकर केवट से कहने लगे कि भाई नाव लाओ, हमें गंगा पार करा दो, हम तुम्हारे नाव के बिना पार नहीं हो सकते। इसी तरह मुझे भी तो एक बार कहलवा देते कि मुझे अपना रथ दे दो। यहाँ पर गोस्वामी जी ने एक सूत्र दिया और वह सूत्र बड़ा विलक्षण है। वे कहते हैं, प्रभु एक अनोखा कार्य किया करते हैं। क्या? बोले, छोटे की लघुता दूर करते हैं और बड़े का अभिमान। दोनों के सामने एक एक समस्या है। जो व्यक्ति छोटा है, उस बेचारे के सामने समस्या है दीनता की, वह दीनता की भावना से ग्रस्त है। और जो व्यक्ति बड़ा है, वह अभिमान के भाव से ग्रस्त है। यह हीनता और अभिमान दोनों ही अंतःकरण की ग्रंथियां हैं। प्रभु क्या करते हैं? बड़े की बड़ाई, छोटे की छुटाई दूरी करें। इसका अभिप्राय क्या है? केवट से नाम मांगकर भगवान राम मानो उसके अंतःकरण में स्थित लघुता और हीनता की वृत्ति को मिटा देते हैं। और जब उन्होंने इंद्र से रथ नहीं मांगा, तो इसके पीछे उनका अभिप्राय यह था कि वे इंद्र के अभिमान को प्रोत्साहित नहीं करना चाहते। युद्ध के पहले दिन भगवान राम की ही विजय हुई। तब इंद्र को चिंता हुई कि रथ नहीं भेजूंगा तो भी विजय श्री राम की ही होगी, पर मेरा नाम इतिहास में नहीं लिखा जाएगा, इसीलिए कम से कम अब तो रथ भेज ही देना चाहिए।
यह जो पुण्यात्मा में अभिमान की वृत्ति है, इसका छूटना बड़ा कठिन है। प्रभु ही इसे दूर करते हैं, दोनों को दूर करते हैं, बड़े के अहंकार को और छोटे की हीन भावना को, दोनों को सामान्य स्थिति में ला देते हैं। अब विचार करके देखें, प्रभु ने बाली का अभिमान दूर किया और सुग्रीव के चरित्र में जो हीन भावना है, जो दीनता है, उसे भी दूर कर देते हैं, उसका सदुपयोग कर लेते हैं। इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण जी से बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि सुग्रीव बड़ा डरपोक था, मैंने बाली को मार दिया तो उसका डर दूर हो गया, वह बड़ा निश्चिंत हो गया और अंत में मुझे ही भूल गया। तुम जाकर उसके मन में बस थोड़ा भय पैदा कर दो, फिर वह भक्त बन जाएगा। अभिमानी भी भक्त बन गया, अभिमान टूटने पर निर्भय भी भक्त बन जाएगा, भय उत्पन्न होने पर। लक्ष्मण जी जाने लगे तो प्रभु ने उनका हाथ पकड़ लिया, बोले, ध्यान रखना, सुग्रीव जितना डरपोक है उतना ही भगोड़ा भी है, उसे ऐसा ना डराना कि वह भाग खड़ा हो। तब अनुजही समझावा रघुपति करुणासीव, भय देखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव, इधर ही ले आना, देखना कहीं भाग न जाए। डर की दो ही प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, या तो व्यक्ति डर से दूर चला जाए अथवा दूर डर से पास चला आए। व्यक्ति जब किसी सीमित देश में होता है और वह किसी से डरता है तो वह उससे दूर भाग जाता है। जब वह सर्वव्यापक ईश्वर से डरता है तो वह भागकर कहाँ जाएगा, तब वह उसके पास आ जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि जब उसकी समझ में आ जाए कि भागकर कहाँ जाएंगे, तब लगेगा कि डरकर भागना व्यर्थ है। आगे इसका विस्तृत विवेचन आएगा कि कैसे भगवान श्री राघवेंद्र की करुणा इतनी उमड़ पड़ी कि उन्होंने अपने स्वभाव को भी भूलकर सुग्रीव को अपनाने के लिए, जैसे किसी नीचे गिरे हुए व्यक्ति को उठाने के लिए कोई उदार व्यक्ति ऊपर से नीचे उतर आवे, वैसे ही प्रभु ने जो यह अभिनय किया, जिस तरह से उन्हें सुग्रीव को याद किया और अंत में जिस तरह से सुग्रीव को बुलाया, इसमें गोस्वामी जी का सूतात्मक संकेत यही है कि सुग्रीव के चरित्र के माध्यम से हमें निरंतर इस बात का भान होता रहे कि प्रभु जो कृपा करते हैं वह अपने स्वभाव से करते हैं, जीव की विशेषता से नहीं। जीव यदि कृपा को अपनी विशेषता से जोड़ेगा तो अभिमान आए बिना नहीं रह सकता। सुग्रीव के चरित्र में एक तत्व शरणागति का है, दूसरा कर्म का और तीसरा ज्ञान का। यथासंभव इन तीनों की संगतियों की चर्चा की जाएगी। शरणागति से क्या तात्पर्य है? बाली के चरित्र में सामर्थ्य का उपयोग है और सुग्रीव के चरित्र में असमर्थता का। सामर्थ्य का सदुपयोग कैसे किया जाए? जैसे बाली का अभिमान नष्ट हुआ और भगवान ने उसके सिर पर हाथ रख दिया, दूसरी ओर जिसमें सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य की अनुभूति नहीं है, जिसे अपनी असमर्थता का भान हो रहा है, उस असमर्थ व्यक्ति को भी जब अपनी असमर्थता का ठीक ठीक सही अर्थों में भान हो जाएगा तो वह विषयी व्यक्ति भी ईश्वर को पा लेगा। बस यही मूल सूत्र है। सुग्रीव के चरित्र का जो शरणागति का पक्ष है, इस संदर्भ में गोस्वामी जी यह बताना चाहते हैं कि मानो इसके द्वारा व्यक्ति का साधनाभिमान दूर हो जाए और व्यक्ति इसे अनुभव करे। सुग्रीव ने जो अपनी कथा सुनाई उसमें बार बार भागने का ही उल्लेख किया। भगवान राम ने उसे बाली से लड़ने भेजा तो वहाँ बाली का मुक्का पड़ते ही वह फिर भागा, तब सुग्रीव विकल हो ही भागा। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, बोले, प्रभु आपने उसे मित्र बना लिया तो भी उसका स्वभाव तो बदला नहीं, भगोड़ों का भगोड़ा ही बना रहा, पहले भी जीवन भर भागता रहा और आज भी भाग रहा है। भगवान हंसकर बोले, लक्ष्मण तुमने ध्यान नहीं दिया, पहले भागा तो संसार की ओर भागा और इस बार भागा तो मेरी ओर, मेरे पास आया, कुछ गुण तो आ गया ना। वस्तुतः सुग्रीव का चरित्र कई दृष्टियों से बड़ा सांकेतिक है। अगले दो व्याख्यानों में इसी पर चर्चा होगी। बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय।